देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल बोलता है, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, यानी कैसे भक्ति के रास्ते से लोग अपने भगवान को ढूंढते थे, डिवोशनल पाथ्स को ढूंढते थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर 8 में बात करेंगे। क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 8 है दोस्तों, सुप्रीम गॉड का आइडिया, कैसे लोग गा के या अपने फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके अपने भगवान के पास पहुंचना चाहते थे भक्ति के माध्यम से। ये भक्ति के माध्यम को केवल हिंदू धर्म में नहीं, बाकी धर्मों में भी प्रयोग किया गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। देखिए, कई बार आपने बहुत अलग अलग तरीके के रिचुअल्स देखे होंगे जो लोग अपनाते हैं पूजा करते वक्त, जैसे कि वो भजन गाते हैं। भजन गाना, तो देखिए भजन कीर्तन गाना बहुत कॉमन फॉर्म है हिंदू धर्म में भगवान को याद करने का। कव्वाली गाते हैं भाई मुस्लिम धर्मों में भगवान को याद करने के लिए। कभी कभी लोग अकेले में बैठ के भगवान का नाम जपते रहते हैं। एक माला होती है हिंदू धर्म में जिसमें 108 बीज पड़े होते हैं, उस 108 बीज में बार बार 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ता है। और कभी कभी तो भैया इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं लोग भगवान की याद में कि उनके आंसू तक निकल आते हैं। तो भाई ये जो इंटेंस डिवोशन है गॉड के लिए, जो इंटेंस है लव है गॉड के लिए, ये भाई कुछ मूवमेंट्स की तरफ से आया है। ये मूवमेंट आपको भक्ति मूवमेंट्स में दिखेंगे, इंडिया में सूफी मूवमेंट्स में देखेंगे। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे एक हल्का फुल्का आइडिया मिलेगा, अगर आप भक्ति मूवमेंट्स के डिवीजन पे जाओगे तो भैया बहुत से डिवीजन से, एक राम भक्ति काव्यधारा आई थी, एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा थी, राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास प्रमुख कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्यदास में काव्यधारा में सूरदास प्रमुख कवि थे। तो भाई वैसे तो भक्ति मूवमेंट को अगर आप पढ़ने पे जाओगे तो बहुत ही जबरदस्त, उसमें उसकी गहराइयां बहुत हैं। खजाजी प्रसाद द्विवेदी भाई और आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा है इन मूवमेंट्स के बारे में, पर वो लिटरेचर का पार्ट उसको यहाँ नहीं देखेंगे। उसी तरीके से सूफी मूवमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उनको ना देखते हुए हल्का फुल्का आइडिया लेने की शुरू करेंगे। 8वीं सेंचुरी से लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड देखते हैं। देखिए, लार्ज किंगडम्स जब आने शुरू हुए, लार्ज किंगडम्स कुछ जगहों पे थे, कुछ जगहों पे नहीं थे भाई, कुछ जगहों पे कभी थे उसके बाद वहां पे छोटे किंगडम्स हो गए। तो लार्ज किंगडम्स के आने के पहले जब किंगडम्स बड़े नहीं थे, छोटे छोटे राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उस समय पे लोगों के अपने अपने इलाके में अपने अपने भगवान देवी देवता होते थे। अब देखिए जैसे जैसे बड़े राज बनेंगे तो भाई बड़े अंपायर बनेंगे, बड़े अंपायर बनेंगे तो ट्रेड होगा, तो ट्रेड से लोग पास आएंगे, तो भैया टाउन बनेंगे, पीपल एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे पीपल एक दूसरे के पास आएंगे, एक इंसान को दूसरे का व्यू पॉइंट पता चलेगा, दूसरे इंसान को पहले का कल्चर पता चलेगा, बहुत सारी चीजें इंटरमिक्स होंगी। ओके, और यहाँ पे एक आइडिया जन्मेगा। क्या आइडिया होगा? दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड दैट केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। यानी ये कहा जाएगा, इस समय पे एक आइडिया निकलेगा भाई कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो बहुत सारे उनके बर्थ और रीबर्थ होते हैं, ठीक है, और ये बर्थ और रीबर्थ में वो क्या बनेंगे इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या किया। देखिए ये वाला जो आइडिया है ना दोस्तों, ये तो हमारे दादा दादी भी हमको सुनाते थे कि भैया जाने कितनी 3 लाख यानी 20 लाख योनियां होती हैं, और हर जन्म में आप कुछ और बनोगे, किसी में बिल्ली बन सकते हो, किसी में मच्छर बन सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो आप इंसान बनोगे। तो ये जो सोच है ना, ये एक एंशियंट सोच है, बहुत पहले से सोच चली आ रही है जिसको हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। रियल में तो देखिए किसी को भी कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। फिर उस समय पे एक और आइडिया सामने आया जो कि सही नहीं था, कि भाई ह्यूमन बींग्स जब पैदा होंगे तो पैदा होते समय वो बराबर नहीं होंगे, सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये आइडिया सामने आया कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ गेन। आज की डेट में क्या है भाई कि अगर कोई ह्यूमन बींग पैदा होता है, वैसे तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबको बराबर के हक है, एक बच्चा जब पैदा होगा उसके वही राइट्स होंगे जो बाकी इंडियन सिटीजंस के होंगे, बट रियल में इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि भाई एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा एक अमीर बच्चे से किसी भी तरीके से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। लेकिन उस समय पर यह सोच बिल्कुल सोसाइटी में एम्बेडेड थी, कल्चरल में एक्सेप्टेड थी कि भैया हर बच्चा अपने जन्म के समय पे सेम नहीं है, अलग अलग है। तो भाई कोई नॉबल फैमिली में जन्म लेगा या फिर किसी ब्राह्मण का जन्म लेगा, हाई कास्ट क्षत्रिय का जन्म लेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली कुछ सोशल प्रिविलेज मिलेंगे। मान लीजिए कोई शूद्र के यहाँ जन्म लेता है तो भाई उसको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं होगी, बस ये धर्म के ठेकेदारों ने जो हिसाब बना दिया था उसके हिसाब से चीजें चल रही थी। अब आप देखोगे कि जब इस तरीके के आइडियाज चल रहे होंगे कि भाई बर्थ के समय में सब बराबर नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इस समय पे भाई कुछ लोगों ने इन आइडियाज को नहीं माना। तो बुद्ध जी ने इस आइडियाज को नहीं माना, महावीर जैन ने इस आइडिया को नहीं माना, और
उन्होंने अपनी थॉट्स प्रोसेस दी, अपनी टीचिंग दी, अपना ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के जरिए उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे आप कुछ प्रैक्टिसेस करके अपने आप को सोशल डिफरेंसेस से ऊपर उठा सकते हो, और ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है ना, इसको अपने ओन पर्सनल एफर्ट से तोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पे आता है सोल का कंसेप्ट, आत्मा का कंसेप्ट। अब अगर यहां पे जैन और बुद्ध ये बोल रहे हैं कि भाई आप साइकिल ऑफ रिबर्थ को तोड़ सकते हो, तो क्या वो आत्मा में भरोसा करते थे? वैसे तो मैंने इसको बहुत बार पहले अपने एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में बताया, बट आप खुद अब इस बात को ढूंढिए, कुछ एक्सरसाइजेस मैं भी आपको दूंगा, कि बुद्धिज्म में और जैनिज्म में जो टीचिंग्स हमारे बुद्ध भगवान ने दी और महावीर जैन ने दी है, उन टीचिंग्स में किसने सोल की एग्जिस्टेंस को माना है और किसने सोल की एग्जिस्टेंस को नहीं माना, ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सरसाइज दे रहा हूं। फिर भाई एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज उभर के सामने आएगी कि भाई कोई एक पर्सन अपने सुप्रीम गॉड को पा सकता है अगर वो उसका उसकी भक्ति करे। भक्ति मतलब डिवोशन, अटमोस्ट डिवोशन, अपने आप को भूल के वो पूरी तरीके से किसी भगवान की तरफ अपने आप को डिवोट कर दे, उसको कहा जाएगा भक्ति। इस आइडिया को कहां प्रोपोगेट किया गया? भगवद गीता में पहली बार प्रोपोगेट किया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ये आइडिया, भक्ति का आइडिया, डिवोशन का आइडिया फेमस होता जाएगा। जो शुरू में भगवान सबसे ज्यादा फेमस होंगे वो होंगे भाई शिव, विष्णु और दुर्गा, ये सुप्रीम डीटीज बन गए। ठीक है, बहुत जगहों पे इनकी पूजा होने लगी रिचुअल्स के साथ, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय पूजा कराते थे उसमें बहुत सारी रिचुअल्स हुआ करती थी। और अलग अलग जगहों पे जो भगवान थे, जैसा कि मैंने बताया ना कि भाई जब बड़े अंपायर बने तो बड़े अंपायर में शिव, विष्णु और दुर्गा को इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन जब छोटे अंपायर थे तो उनके अपने खुद के भगवान थे। अब वो खुद के भगवान की एग्जिस्टेंस जब शिव, विष्णु और दुर्गा के कंपैरिजन में देखी गई, तो भैया जगह जगह पे जो भी गॉड्स और गॉडेस थे उनको शिव, विष्णु और दुर्गा के साथ सिनोनिमस समझाने लगा। यानी कहीं पे जो इंपॉर्टेंट भगवान थे वो शिव के ही आप कह सकते हैं अवतार मान लिए गए, कहीं के भगवान कृष्ण के अवतार मान लिए गए, कहीं की गॉडेस दुर्गा के अवतार मान ली गई। तो धीरे धीरे अलग अलग जगह के गॉड्स गॉडेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया शिव, विष्णु और दुर्गा के साथ। और इसके चलते हुआ ये कि जगह जगह पे देखिए अलग अलग जगह पे बहुत मिथ्स फेमस थे, बहुत लेजेंड्स फेमस थे। मिथ्स और लेजेंड्स का मतलब कि वहां पे कहानियां चलती थी, फेबल्स चलती थी उस टाइम पे। भाई कोई एंटरटेनमेंट का साधन तो था नहीं, कोई भाई गांव का बूढ़ा आदमी होगा वो जगह जगह बैठ के बच्चों को कहानी सुनाता होगा कि भैया यहाँ पे इस जमीन पे 200 साल पहले एक बड़ा राजा रहा करता था, उसने ये किया, उसने वो किया, वो इतना वीर था, उसने ये बचाया, फिर वो राजा इतना बड़ा हो गया होगा कि वहां का भगवान बन गया होगा, फिर उस भगवान को या तो शिव या कृष्ण या दुर्गा के साथ जो भी उनका जेंडर होगा उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इस तरीके से चीजें अलग अलग जगहों पे चल रही थी और ये चीजें धीरे धीरे पुराण में भी लिखी जाने लगी। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकल कल्ट्स। तो पुराण में जिस तरीके से पूजा करने के तरीके थे उन पूजा करने के तरीकों को लोकल लेवल पे अपना लिया गया। आखिर में पुराण में यह भी लिखा गया दोस्तों कि एक इंसान भक्ति के थ्रू अपने भगवान की कृपा पा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, यानी वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करे उसके बावजूद वो भगवान की भक्ति का फल पा सकता है अगर वो पूरी तरीके से डिवोटेड है अपने भगवान की तरफ। इस समय पे भक्ति का कंसेप्ट बहुत तेजी से उभर के आएगा, इतनी तेजी से उभर आके आएगा कि बुद्धिस्ट और जैन भी इसको फॉलो करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हुआ फ्रेंड्स कि भाई हिंदू रिलीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से हटने के लिए बुद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, उसने काफी हद तक उस प्रॉब्लम्स को हटाया। बाद में हिंदू धर्म में समझ में आया कि भाई सब लोग हमारे इसको छोड़ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा करना चाहिए, तो भक्ति के कंसेप्ट को प्रोपोगेट किया गया। अब ये भक्ति का कंसेप्ट भाई भगवद गीता में ओरिजिन में था, धीरे 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 करके ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे फेमस होता गया। एक समय पे इतना फेमस हो गया दोस्तों कि बुद्ध और जैन के फॉलोअर्स भी थोड़ा थोड़ा भक्ति को मानने लगे। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नई तरीके की भक्ति शुरू हुई इंडिया में और साउथ इंडिया में, खासकर दो इंपॉर्टेंट ग्रुप सामने निकल के आएंगे। ये ग्रुप्स का नाम है नायानार्स और अलवर्स। क्या खास बात है नायानार्स और अलवर्स की? देखिए 7th और 9th सेंचुरी के रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, दो क्लासेस थी, एक नायानार्स थी। नायानार्स वो साधु थे जो शिव को मानते थे, अलवर्स वो साधु थे जो विष्णु को मानते थे। और खास बात है नायानार्स और अलवर्स की ये थी कि इनमें हर कास्ट के लोग थे, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था,
अनटचेबल्स भी थे, अनटचेबल्स में पुलायार आते थे, पनार्स आते थे, साथ साथ इसमें हाई कास्ट के लोग भी थे, रूलिंग क्लास के भी लोग थे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके साथ मिल गए थे। फिर इन लोगों ने बुद्धिस्ट और जैन्स के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को क्रिटिसाइज किया, बुद्धिस्ट और जैन्स को क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने बोला कि भाई शिव की भक्ति करिए। तो नयानास ने बोला शिव की भक्ति करिए, अलवर ने बोला विष्णु की भक्ति करिए, और शिव की विष्णु की भक्ति अगर आप करोगे तो इसका आपको आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद मिलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। फिर इन्होंने कौन से आइडियल्स को माना, तो लव के आइडियल को माना, हीरोइज्म को आइडियल को माना, थोड़ा बहुत ही संगम लिटरेचर से भी आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस थे। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर है, आप कह सकते हो ट्रेडमार्क तमिल लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर का सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि आप वो ग्रंथ है, अर्ली सेंचुरी जो तो कॉमन एरा में लिखा गया था, तमिल लिटरेचर था जो संगम लिटरेचर, इसके सिद्धांतों को निकाला, लव के सिद्धांत को निकाला, हीरोइज्म के सिद्धांत को निकाला और इससे भक्ति बनाई। ठीक है, तो ये नयनार सलवर्स करते क्या थे, ये एक जगह पे नहीं रुकते थे, ये जगह टू जगह घूमते रहते थे, जगह जगह पे जाके ये पोएम्स लिखते थे और पोएम लिख लिख के लोगों को सुनाते थे। तो मान लीजिए किसी विलेज में गए, उस विलेज में उनका कोई लोकल गॉड है, उस लोकल गॉड को एज एन अवतार दिखाया शिव ने, अगर नयनार गए हैं तो नयनार ने उस जगह के लोकल गॉड की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए उसको शिव का एक अवतार दिखाया और उसके ऑनर में इन्होंने पोएम्स लिखी। तो देखिए कितना सही तरीके से ये नयनार और अलवर सोसाइटी को एसिमिलेट कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेकिंग टेंडेंसी नहीं थी, जहां पे जा रहे हैं वहां के भगवान की पूरी तरीके से वो कर सकते तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से ऑनर कर रहे हैं और उनको शिव के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके प्रेज में ऑब्वियसली बात है ये पोएम्स लिख रहे हैं, तो लोगों को पसंद आएगा नयनार्स और अलवर्स के साथ मिलना, बहुत सारे लोग नयनार्स और अलवर्स में जुड़े थे। फिर आगे देखते हैं कि भैया नयनार्स और अलवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी जाए तो 63 नयनार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत अलग अलग कास्ट रहे थे, पॉटर्स भी थे, अनटचेबल भी थे, वर्कर, पीजेंट, हंटर, सोल्जर, ब्राह्मण, चीफ्स सब आते थे इसमें। इनमें जो इंपॉर्टेंट नयनार्स थे वो थे अपार, संबंधार, सुंदरार, मणिकव सागर। अगर आप नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो इन नयनार्स के नाम लिख लीजिए, पूरे चांसेस हैं कि कभी यूपीएससी में इनमें से कोई नाम लिख के आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। दो सेट्स ऑफ कंपाइलेशन नयनार्स के हैं, तेवरम और तिरुकवकम, सब इंपॉर्टेंट है ये एंशियंट हिस्ट्री में। फिर 12 अलवर्स थे, अलवर्स में कौन कौन है, एक्चुअली एंशियंट नहीं मिडिवल कहना चाहिए, अलवर्स में कौन कौन थे, तो भाई अलवर्स भी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इसमें सबसे ज्यादा फेमस था पेरी अलवार और पेरी अलवार की एक डॉटर थी अंदल। फिर इसमें कुछ और नाम फेमस है जैसे तोंदारी दिपोड़ी अलवर और नमलवार, तो ये याद रखिएगा ये अलवर्स हैं। इसके जो सॉन्ग्स हैं वो लिखे हुए हैं दिव्य प्रबंधम में। तो भाई नयनार्स और अलवर्स के बारे में आपको पता चल गया, ये जो नाम मैंने बताए हैं इनको याद रखिएगा। यहाँ पे मणिकव सागर की एक ब्रॉन्ज इमेज है, मणिकव सागर जैसा कि आप देख सकते हैं नयनार है, मणिकव सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी नयनार्स और अलवर्स के नाम बताए हैं सारे नाम बहुत जरूरी हैं, पूछे जा सकते हैं, बार बार एक बात बोल रहा हूँ। फिर देखिए दोस्तों 10वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच में चोला किंग्स ने, पंड्या किंग्स ने अपने अपने राज के इलाकों में बड़े बड़े टेम्पल्स की स्थापना की। इन बड़े बड़े टेम्पल्स में अलग अलग जगहों से सेंट पोएट्स आया करते थे, वो सेंट पोएट्स आके भक्ति में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो आप देखोगे कि ये सेंट पोएट्स जब पहुंचेंगे पूजा करने के लिए और भक्ति के साथ पूजा करेंगे तो ये जो भक्ति का ट्रेडिशन है और ये जो टेम्पल वर्शिप का ट्रेडिशन है ये दोनों के बीच में छोटा मोटा लिंक आने लगेगा। ओके, ये छोटा मोटा इसमें लिंक आने लगेगा। देखिए अब इसको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो जब बड़े बड़े टेम्पल्स सुनने लगे तो भाई उन टेम्पल्स में दूर दूर से पिलग्रिम्स आने लगे। ये पिलग्रिम्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भक्ति के ट्रेडिशन को मानते थे, इसलिए टेम्पल वर्शिप और भक्ति वर्शिप में यहाँ पे लिंक स्थापित होने लगेंगे। फिर हैगियोग्राफीज लेके जाने लगी। हैगियोग्राफी क्या होता है दोस्तों? हैगियोग्राफी इज राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, एक साधु की लाइफ के बारे में लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है तो उसको आप हैगियोग्राफी बोलोगे। तो भैया हैगियोग्राफीज लिखी गई, रिलीजियस बायोग्राफीज लिखी गई अलवर्स की, नयनार्स की, उनको कंपोज किया गया। ओके, और आज हम इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्रीज को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मणिकव सागर का एक कंपोजिशन है। क्या कंपोजिशन है? इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गॉड एंड सूथ्ड मी होली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर सोरो एंड बर्थ डेथ एंड इल्यूजन यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री ओ ब्लिस ओ लाइट आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू एंड नेवर आई कैन बी पार्टेड फ्रॉम यू। यहाँ देखिए मणिकव सागर क्या बोलते हैं कि मेरे मांस के शरीर में आप
कुछ इस तरीके से आया हो कि जैसे मेरा शरीर शरीर नहीं है, एक सोने का मंदिर है। आपने मेरे को पूरी तरीके से सूद किया, मुझे शांति दी, मुझे बचाया। ओ मेरे भगवान, ओ ग्रेस, आप बहुत प्योर हो। डेथ, इल्यूजन, सोरो, बर्थ, सब कुछ आप मेरे पास से ले गए हो और मैं पूरी तरीके से फ्री हो गया हूं। मैं आप में शरण ले रहा हूं और कभी भी मुझे आपसे अलग ना होना पड़े। ऐसा मणिकर्ण वसागर कह रहे हैं किसके लिए? शिव के लिए। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, फिलॉसफी और भक्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शंकराचार्य थे भैया, शंकराचार्य वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स थे इंडिया में। इनका जन्म हुआ था केरला में 8वीं शताब्दी में। अद्वैत की फिलॉसफी के ये सपोर्टर थे। अद्वैतावाद सुना है ना आपने? नहीं सुना है तो अभी समझाऊंगा। तो ये शंकराचार्य ने भैया स्थापना की अद्वैतावाद की, जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड यानी अल्टीमेट रियलिटी। अब गॉड को किसी ने देखा तो था नहीं भाई, तो बड़ा जो सुप्रीम गॉड है जिसको अल्टीमेट रियलिटी बोला जाता है, और एक इंसान को यहां पे बोला गया इंडिविजुअल सोल, आत्मा। अब यहां पे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, ही टॉट दैट द ब्रह्मन द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। इनका यह बोलना है कि जो ब्रह्मन है, ब्रह्मन मतलब भगवान, जो अल्टीमेट रियलिटी है, इसका कोई फॉर्म नहीं। जैसे हमारे शरीर का एक फॉर्म होता है ना, दो पैर, दो हाथ, एक सर, आंखें, नाक, पेट, सब कुछ, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हड्डियां। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी जो कि ब्रह्मन है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और शंकराचार्य जी ने माना कि हमारे चारों तरफ ये जो दुनिया है, ये माया है, ये धोखा है, इल्यूजन है। और उन्होंने बोला रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड की भैया आपके चारों तरफ जो भी सोशल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी दुनिया आपको दिखाई पड़ रही है, सब गलत है, सबको छोड़ दो और केवल एक पथ को फॉलो करो, और वो पथ है ज्ञान का। और जब आप ज्ञान के पथ को पालोगे, तब आपको ब्रह्मन के बारे में पता चल जाएगा और फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी, सल्वेशन मिल जाएगा। ये बोला भाई शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद में। हालांकि जो रिलीजियस फिलोसफीज हैं दोस्तों, ये काफी कंफ्यूजिंग है। हिंदी लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलीजियस फिलोसफीज, जो कि मेंस में पूछा जाता है। इन फिलोसफीज पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं। अभी तो मैं इतनी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना रहा हूँ दोस्तों, 3 वीडियोस एक दिन बना रहा हूँ। अगर मेरे व्यूज बढ़ते गए तो मैं 5, 6, 7 कहीं 14-14 घंटे काम करके भी वीडियोस बना सकता हूँ। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप लोग कितने व्यूज देते हो मुझे। चलिए अब देखते हैं, रामानुज की बात करते हैं। शंकराचार्य की बात करिए, रामानुजाचार्य की बात करते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में। अलवर जो कि कृष्ण के भक्त थे, इनसे ये काफी इन्फ्लुएंस थे। तो देखिए, अभी आपको मैंने बताया नायानार्स के बारे में, अलवर्स के बारे में। नायानार्स थे शिव के भक्त, सॉरी कृष्ण बोल दिया मैंने, अलवर थे विष्णु के भक्त, वही मुझे कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो भाई अलवर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का मानना था बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। यानी विष्णु की तरफ पूरी तरीके से भक्ति दिखाइए, पूरी तरीके से आप अपने आप को विष्णु को समर्पित कर दीजिए। अगर आपने कर दिया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओके, अगर आप पूरी तरीके से विष्णु को अपने आप को समर्पित कर देते हो तो विष्णु आपके ऊपर अपनी कृपा करेगा और अपने आप से आपको मिलने की वो आजादी देगा। तो यहां पे रामानुजाचार्य ने प्रिंसिपल दिया विशिष्ट द्वैतवाद का, क्वालिफाइड वननेस का। ओके दोस्तों, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद मतलब क्या है कि एक तरफ भगवान है, वो भगवान कौन है? विष्णु है। अगर आप विष्णु की भक्ति करोगे, जो विष्णु है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, अगर आपकी भक्ति करोगे और विष्णु आपकी भक्ति से खुश हो गया, तो ये आपको अपने आप से मिलने की अनुमति देगा, यानी क्वालिफाइड वननेस है। वैसे तो आप अल्टीमेट रियलिटी विष्णु से अलग है, लेकिन अगर आपको विष्णु से मिलना है तो आप विष्णु की भक्ति करो ताकि विष्णु आपको अपने आप से मिला ले। तो क्वालिफाइड वननेस, क्वालिफाइड वननेस मतलब कि आप विष्णु से तब मिलोगे जब आप विष्णु की इतनी भक्ति करोगे कि वो आपको अपने आप से मिलने दे दोस्तों। और आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट निकला जहां पे सुप्रीम गॉड अलग है। अद्वैतवाद में क्या हो रहा था? अद्वैतवाद में यह था कि भाई सुप्रीम गॉड और जो इंडिविजुअल था वो एक ही थे, बस इंडिविजुअल को उस ब्रह्मन को देखने के लिए नॉलेज की जरूरत थी। यहां पे क्या है, यहां पे भगवान को अलग माना है और उस इंसान को, इंडिविजुअल सोल को अलग माना है, और वो सोल भगवान से तभी मिल सकती है जब वो भगवान के प्रति भक्ति करेगा और भगवान उसे अपने आप से मिलने का मौका देगा। दो अलग अलग फिलॉसफी से दोस्तों, रामानुज की फिलॉसफी आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस होगी, एक नई स्ट्रैंड ऑफ भक्ति इससे उभरेगी नॉर्थ इंडिया में, जबकि रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था साउथ इंडिया तमिलनाडु में।
फिर अगली भक्ति पे आते हैं बसावना वीर शैविज्म। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दे रखी, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया, बहुत कुछ और इनके बारे में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो किसी भी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियोस बनाऊंगा। देखिए आप जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, जितने ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक मार दीजिए, जितना ज्यादा आप इंगेजमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा दोस्तों कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो मेरे चैनल्स के साथ, उतना ही ज्यादा मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। क्योंकि मेरे लिए जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी तरफ से वो व्यूज है। अगर आप मेरी वीडियोस को ज्यादा देखोगे भाई, मैं खुशी खुशी दिन रात काम करके चीजें लेके आऊंगा, अगर आप कम देखोगे तो कैसे लाऊंगा। फिर आगे देखते हैं, बसावना ने वीर शैविज्म का सिद्धांत दिया। अब भैया हमने कनेक्शन देखा किसके बीच में, तो तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, चोला और पंड्या ने बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, उन टेम्पल्स में दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। अब वो टेम्पल्स राजाओं के द्वारा बनवाए हुए थे, वहां पे एलिट्स और नॉबल्स को ज्यादा आप कह सकते हैं फ्रीडम मिली थी, प्रिविलेजेस मिली थी। कई जगहों पे तो ऐसा होता था कि टेम्पल्स में लो कास्ट के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, और इस टेम्पल को एसोसिएट कर दिया गया किसके साथ, भक्ति मूवमेंट के साथ। ये चीज भाई बसावना को पसंद नहीं आई। बसावना ने ये बोला कि भाई ये जो आप एसोसिएशन कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट का टेम्पल वर्शिप के साथ, ये गलत है। क्योंकि टेम्पल्स में हाई कास्ट को आप कह सकते हैं प्रेफरेंस दी जाती है, नोबल्स को, एलिट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, लोअर कास्ट के लोगों को वहां पूछा नहीं जाता। तो वीर शैव मूवमेंट शुरू किया बसावना ने, मिलके अलामा प्रभु और अक्कमहा देवी के साथ मिलके शुरू किया। तो देखिए बसावना, अलामा प्रभु और अक्कमहा देवी, ये लिख लीजिए इसके सामने, वीर शैविज्म एरो बना के लिख लीजिए, इन्होंने इसको शुरू किया है। वीर शैविज्म ने कहा कि सारे ह्यूमन बीइंग्स बराबर हैं, और ये ब्रह्मनिकल आइडियाज जो हैं कास्ट के बारे में और ये जो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए भक्ति मूवमेंट में। साथ साथ ही जो रिचुअल्स होते हैं अलग अलग तरीके के टेम्पल्स में मूर्ति पूजा होती है, ये भी गलत है। भगवान की पूजा है, मन से करिए, मूर्ति पूजा रिचुअल्स इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो वीर शैव के वचन लिखे हुए यहाँ पे, देखिए क्या बोला है बसवना जी ने यहाँ पे, The rich will make temples for the Shiva. What shall I, a poor moon, do? My legs are pillars, the body shine, the head a cupola, oh gold, of gold. Listen, oh Lord of the meeting, rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay. कहने मतलब ये है कि भाई जो रिच लोग हैं वो शिव के लिए टेम्पल बना सकते हैं, एक गरीब आदमी क्या करेगा। तो उस टेम्पल में मेरे पांव पिलर्स हैं, मेरी बॉडी शाइन है, जो मेरा हेड है वो क्यूपूला है, उसका गुम्बद है ऑफ गोल्ड। हे भगवान, मिलती हुई नदियों के भगवान, सब कुछ जो खड़ा हुआ है वो गिर जाएगा, लेकिन चलती हुई चीज कभी नहीं रुकेगी, बट द मूविंग एवर शैल स्टे। तो ये एक आप कह सकते हैं टीचिंग है बसवना की। वैसे तो देखिए किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बच्चों के लिए लिख रखी है तो बच्चों को समझाने के लिए काम आती है। तो ये जो वैष्णवा सेंट पोएट्स है ना महाराष्ट्र के, देखिए इसमें जनेश्वर इंपॉर्टेंट है, तो वैष्णवा पोएट्स सेंट पोएट्स में जनेश्वर इंपॉर्टेंट है जो महाराष्ट्र के रीजन में एक्टिव थे, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये सब लॉर्ड विट्ठल के डिवोटीज हैं। इन्होंने बोला, डिवोशन अराउंड लॉर्ड विट्ठल गेव राइज टू द वर्कारी सेक्ट व्हिच ले एम्फेसिस ऑन द एनुअल पिलग्रिमेज टू पंधरपुर। द कल्ट ऑफ विट्ठल इमर्ज एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। यानी महाराष्ट्र के रीजन में लोग लॉर्ड विट्ठल को मानते थे, और लॉर्ड विट्ठल को मानने वाले लोगों का, लॉर्ड विट्ठल को मानने वाले लोगों के एक अलग सेक्ट बना, इस सेक्ट को बोला जाता वर्कारी सेक्ट, एंड दिस वर्कारी सेक्ट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। इनके इंपॉर्टेंट जो साधु थे वो थे जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ओके दोस्तों, और इन्होंने क्या बोला, द कल्ट ऑफ विट्ठल इमर्ज्ड एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वाज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। यानी कि ये विट्ठल भगवान की जो पूजा है वो एक कल्ट बन के बाहर निकली, एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस जिसको लोग बहुत ज्यादा मानने लगे और फॉलो करने लगे। और इसका एक पार्ट है, इस वर्कारी सेक्ट का, इस पूरे कल्ट का एक पार्ट है कि भाई हर साल पंधरपुर में पिलग्रिमेज के लिए ये लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं भाई। तो बात करते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र की, इनके बारे में इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा था। तो भाई 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट पोएट सामने आएंगे जो सिंपल मराठी में सॉन्ग्स लिखेंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए और भक्ति मूवमेंट की तरफ खींचने के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंट्स थे वो थे ज्ञानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, कुछ वुमेन भी थी इसमें जैसे सकुबाई और चोखा मेला की फैमिली। अब देखिए ये इसमें से कुछ लोग जैसे कि सकुबाई, चोखा मेला की फैमिली, ये लोग अनटचेबल्स थे, महार कास्ट के थे। ये महार वही कास्ट है जिसके बी आर अंबेडकर जी भी थे दोस्तों। ओके, फिर दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विट्ठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंधरपुर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई
लॉर्ड विट्ठल की पूजा कर होती थी। तो लॉर्ड विट्ठल विष्णु जी के अवतार माने गए। इनका एक टेम्पल है पंढरपुर, जहां पे हर साल लोग जाके इनकी पूजा करते हैं। ओके, माना गया कि ये एक भगवान है जो कि लोगों के दिलों में निवास करते हैं। ये जो सेंट पोएट्स आगे निकल के आएंगे दोस्तों, आप देखोगे कि किसी भी तरीके के रिचुअल को, ठीक है ना, मंत्र करना, ठीक है, बहुत सारे एलिबरेट रिचुअल्स करना, यज्ञ के सामने आप कह सकते हो कि यू नो पढ़ते हैं वचनों को पढ़ना, दोहों को पढ़ना, ये सब जो रिचुअल्स करे जाते थे टेम्पल्स में, इन सब को करने से मना कर दिया इन सेंट पोएट्स ने। इन सेंट पोएट्स ने बोला कि भैया ये जो डिस्प्ले है पाइटी का, पाइटी का डिस्प्ले क्या होता है दोस्तों, मतलब कि हम बहुत रिलीजियस हैं, खूब सारे रिचुअल्स करके और चीजें करके लोगों को दिखाना कि हम बहुत रिलीजियस हैं, फिर सोशल डिफरेंसेस को मानना, बर्थ के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस को मानना, जो कि उस समय की सोसाइटी में काफी हद तक प्रेविलेंट था, इसको इन सेंट पोएट्स ने कर दिया रिजेक्ट। और इन्होंने इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन। आपको बताया था ना मैंने, अद्वैतवाद में रेनन्सिएशन का आइडिया दिया था, मतलब कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मिथ्या है, वो उसको छोड़ दो। नहीं, ये महाराष्ट्र के सेंट पोएट्स ने बोला था कि भाई दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मिथ्या नहीं है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए इन्होंने भक्ति भी करी और साथ साथ अपनी फैमिलीज के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी जी इन्होंने। तो देवर हम्बलिंग सर्विंग, मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी भक्ति भी कर रहे थे, भक्ति के साथ साथ जो सोशल डिफरेंसेस थे उनको नहीं मान रहे थे, कास्ट डिफरेंसेस को नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती का दिखावे को वो लोग नहीं मानते थे, सोशल डिफरेंसेस को नहीं मानते थे। और साथ साथ अद्वैतवाद में जो कहा गया था कि भाई दुनिया में सब कुछ छोड़ दो, जितना भी कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा सब कुछ छोड़ दो, फैमिली वैमिली कुछ नहीं, सिर्फ भगवान को याद, ऐसा भी इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने बोला भाई हम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, हमारे साथ में जो लोग रह रहे हैं हम उनकी मदद करेंगे। इन चीजों को मान के अपनी भक्ति दिखाई महाराष्ट्र के सेंट पोएट्स ने, जो कि आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ भक्ति थी उस समय पे, ठीक है। तो अब यहां देखोगे, अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। यानी कि यहां पे भक्ति को एक नया फॉर्म दिया गया, एक नई सूरत दी गई, उसमें बोला गया कि भक्ति का मतलब है दूसरों की मदद करना। ओके, यहां पे देखिए एक फेमस गुजराती सेंट है नरसिंह मेहता, इनका क्या कहना है, दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। यानी ये वो वैष्णव हैं जो, कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूसरे के दर्द को, दुख को, परेशानी को समझते हैं वो वैष्णव है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। सेंट तुकाराम जो थे आपके महाराष्ट्र के रीजन में एक्टिव थे, विट्ठल सेक्ट को मानने वाले थे। ये एक अभंग है, इन्होंने एक डिवोशनल हिम लिखी, अभंग को मराठी डिवोशनल हिम भी कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। He who identifies with the battered and the beaten, mark him as a saint, for the God is with him. He holds every forsaken man close to his heart. बहुत आसान है दोस्तों इसको समझना, कुछ भी खास इसमें मुश्किल लिखा नहीं है। फिर यहाँ पे चोक मेला के सन के द्वारा लिखा हुआ एक अभंग है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज लिखी हुई जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। You made us low caste. Why don't you face that fact, great Lord? Our whole life left our food to eat. You should be ashamed of this. You have eaten in our home. Can you deny it? Chokhasan, Kara Mela asks. Why did you give me this life? यहाँ पे चोखमेला का बेटा कह रहा है भगवान को कि आपने हमको एक लो कास्ट में जन्मा, इस लो कास्ट में हम जन्मे हैं आपकी वजह से, क्योंकि हमारे जन्म के ऊपर हमारा कंट्रोल तो था नहीं, अगर आप हमारे भगवान हो तो आपकी वजह से हम जन्मे हैं। हमको दूसरों का छूटा हुआ खाना खाना पड़ता है, आपको इस बात का शर्म होनी चाहिए। आप अगर चारों तरफ है तो इसका मतलब आप हमारे घर के अंदर भी है, तो आपने हमारे घर के अंदर की चीजों को भी खाया है, तो आपने हमको ऐसी जिंदगी क्यों दी। इस अभंग में, इस डिवोशनल हिम में भगवान से सवाल कर रहा है चोखमेला का बेटा। तो यहाँ पे भगवान के प्रति थोड़ी नाराजगी भी दिखाई है इन्होंने दोस्तों। तो ये चीजें हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नाथपंथी की, सिद्ध की और योगी की। देखिए इस समय पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स उभर रहे थे जो कि कन्वेंशनल रिलीजन और सोशल ऑर्डर को नहीं मान रहे थे, जो अभी तक मैंने आपको बताया वो तो थे ही, बहुत सारे और ऐसे ग्रुप्स उभरे जिन्होंने सोशल ऑर्डर, प्रेविलेंट सोशल ऑर्डर को नहीं माना, और उन्होंने उन प्रेविलेंट सोशल ऑर्डर के सामने सवाल पूछे, एकदम सिंपल और लॉजिकल सवाल। इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे वो थे नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी। इन्होंने बोला रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में चारों तरफ जो चीजें हो रही है उनसे दूर रहो, फैमिली वैमिली कुछ नहीं है, भगवान ये जो हमारी तरफ चारों तरफ है वो मिथ्या है, मिथ्या को छोड़ दो और मोक्ष के पाथ पे चलो, सल्वेशन के पाथ पे चलो। और सल्वेशन का पाथ कैसा मिलेगा भाई, ध्यान करो, पूजा करो, किसकी, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की, ताकि अंत में हम उस रियलिटी के साथ अपने आप को मिला सकें।
और उस रियलिटी के साथ अपने आप को मिलाने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड की जरूरत है, इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। और ये इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड होगी कैसी, तो योगासन करने पड़ेंगे, तो या साधु योगासन करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और ये जो ग्रुप्स थे ना फ्रेंड्स, लो कास्ट में बहुत हिट हुए, क्योंकि लो कास्ट की हालत बहुत खराब थी। ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे थे, पंडित और छत्री, उन्होंने लो कास्ट को बहुत दबाया था, तो ऑब्वियसली बात है लो कास्ट की हालत खराब थी, तो लो कास्ट ने इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया। फिर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इन्होंने कन्वेंशनल रिलीजन को अपोज किया। जब इन्होंने कन्वेंशनल रिलीजन को अपोज किया, तो ऑब्वियसली बात है उस फॉर्मलेस रियलिटी की तरफ ये लोग प्यार दिखा रहे थे, तो डिवोशनल रिलीजन की यहाँ पे नींव रखी गई। और ये डिवोशनल रिलीजन पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस होगा। और एक्चुअली में इसके फेमस होने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था दोस्तों, क्योंकि इतनी ज्यादा अनइवननेस थी, अनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली बात है आप किसी नई चीज की तरफ तब भागोगे जब आप पुरानी चीज से बहुत परेशान हो रखे हो। अगर पुरानी चीज में आपको इक्वल हक मिल रहा होता, सब कुछ सही मिल रहा होता, तो शायद आप एक बार नई चीज की तरफ नहीं भागते। इस फोटो में दिख रहा है कि फ्रेंड्स बीच में आग जल रही है और बहुत सारे एसेटिक्स यहाँ पे रह के आराम कर रहे हैं। अब ठंडी तो लगती थी ना, तो आग जला के गर्मी तो लेनी पड़ेगी। बात करते हैं भाई सूफिज्म की और इस्लाम की। तो देखिए, द सन्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफी, सो मच दैट इट इज बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज ऑफ ईच अदर, सूफीज और मुस्लिम मिस्टिक्स। देखिए, ये जितने भी बाकी ग्रुप्स उभर रहे थे इंडियन सोसाइटी में, चाहे नाथपंथी की बात कर लो, सिद्ध की बात कर लो, नया नार्स की बात कर लो, अलवर्स की बात कर लो, ये सब भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे। और जो सूफी मूवमेंट इंडिया में आया ना दोस्तों, ये भी भक्ति मूवमेंट का पार्ट ही है, ये भी भक्ति मूवमेंट का पार्ट है। यहाँ पे जो भक्ति कर रहा है वो मुस्लिम मिस्टिक्स है, वो मुस्लिम धर्म के प्रचारक है। तो भक्ति मूवमेंट में एक बार ध्यान रखिएगा, भक्ति मूवमेंट को आप केवल हिंदू से रिलेट मत करिएगा। मुस्लिम सूफी सेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन भक्ति मूवमेंट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। ये मुस्लिम सूफी मूवमेंट्स भी इंडिया के ही थे, भले ही बाहर से आए थे, बट इंडिया के कल्चर में इन्होंने अपने आप को एसिमिलेट किया था, इसलिए इंडिया के भक्ति ट्रेडिशन में ये भी आते हैं। इसके चलते आप कह सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर में एक बहुत बड़ी बहस हुई है, दो हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े दिग्गज, खैर वो एक अलग चीज, एक थे आपके रामप्रसाद, एक रामचंद्र शुक्ल थे, एक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, बट वो एक अलग चीज है, तो उसको यहां पे नहीं देखते हैं। आगे चलते हैं। तो भाई इस्लाम धर्म इंडिया में आया, इस्लाम धर्म मानता था स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म को, एक भगवान को मानता था, मूर्ति पूजा को इस्लाम धर्म नहीं मानता था, ठीक है, अलग अलग भगवान को वो नहीं मानता था। जब ये सूफी लोग यहां पे आएंगे, ये सूफी लोग एक बात बोलेंगे कि भाई ये जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस कस्टम्स है ना, ये आउटवर्ड रिलीजियोसिटी है ना, जो आप रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाते हो, मारते हो, ये गलत है। साफ साफ सूफी, ये जो सूफी संत थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये रिलीजियस एनिमोसिटी गलत है। भाई हमारा रिलीजियस मुस्लिम है, हमारा रिलीजन लव को मानता है, हमारा रिलीजन डिवोशन ऑफ गॉड को मानता है, कंपैशन को मानता है, और ये कंपैशन होगा सारे फेलो ह्यूमन बींग्स की तरफ। इन सूफी संतों के सिलसिला चलेंगे दोस्तों, और ये सूफी संत सच में कैरिज्मेटिक थे, कैरिज्मा था इनके अंदर, क्योंकि ये लोगों को प्यार सिखाते थे। जो भी धर्म के नाम पे आज तक लड़ाई हुई है वो हुई है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कि भाई धर्म के नाम पे लड़ा दो और अपनी रोटी सेको, बट ये जो धर्म गुरु आएंगे यहाँ पे, ये सच में प्यार को प्रमोट करने की बात करेंगे। रिलीजन में हर फेलो ह्यूमन बींग की तरफ इनको आस्था थी, तो ऐसा नहीं था कि भाई किसी सूफी सेंट के दरबार में किसी दूसरे धर्म के आदमी के लिए जगह नहीं होगी, हमेशा जगह थी। फिर आगे देखते हैं 8th और 9th सेंचुरी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स बनाए। होली लॉ जो शरीयत का लॉ था, और जो इस्लाम की जो थियोलॉजी थी, इस्लाम के प्रिंसिपल्स थे, इनके बहुत सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशन निकल के आए। तो जो इस्लाम रिलीजन था बहुत कॉम्प्लेक्स होता गया, अलग अलग धर्म गुरु अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। सूफियों ने एक इंटरप्रिटेशन में एक्स्ट्रा डायमेंशन जोड़ा, पर्सनल डिवोशन टू गॉड। उन्होंने बोला कि हम गॉड की तरफ पूरी तरीके से पर्सनल डिवोटेड हैं, हम रिचुअल्स को और कोड्स को नहीं मानेंगे जिनको मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने दिया है। मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने बहुत सारे रिचुअल्स दिए, बहुत सारे कोड्स दिए कि आपको ये सब चीजें माननी है मुस्लिम धर्म में अगर आपको रहना है तो, बट सूफी संतों ने इनको मानने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं एक प्रेमी की तरह भगवान से मिलना चाहता हूं, एक प्रेमी की तरह मैं भगवान का इंतजार करूंगा और एंड में मैं भगवान से मिल जाऊंगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भगवान से मतलब है। ओके, और बाकी सेंट पोएट्स की तरह सूफी संतों ने भी पोएम्स लिखी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और मुस्लिम धर्म में शुरुआत में म्यूजिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट यहाँ पे हम म्यूजिक को लेके आए, रिच लिटरेचर लिखा, एनेक्डोट्स यानी कहानियां, फेबल्स लिखी गई,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूफी संत आए थे सेंट्रल इंडिया से, उनमें गजली थे, रूमी थे, सादी थे। तो भाई नाथपंथी, सिद्ध और योगी की तरह भी सूफियों का यह मानना था कि अगर हम अपने दिल को ट्रेन कर लें दूसरों को प्यार से देखने के लिए, हम दूसरों को प्यार से देख सकते हैं बिना किसी नफरत के। और इन सूफी संतों ने अपने भगवान को पाने के लिए अपने मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग निकाले, जिसको बोला गया जिक्र। जिक्र मतलब चैंटिंग ऑफ अ नेम और सैक्रेड फॉर्मूला। तो इनके अपने अल्लाह को याद करने के लिए उसका नाम चैंट करते थे। कॉन्टेम्पलेशन, साम यानी गाना गाना, रक्स मतलब डांस करना, डांसिंग भी थी इनकी में, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, सांस को कंट्रोल करना, ये सब चीजें आएंगी। और देखिए सूफी मिस्टिक्स और सूफी सिलसिलों में भगवान को पाने के लिए जो चीजें होंगी, काफी हद तक वो बाकी इंडियन रिलीजियस मूवमेंट से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होंगी, यानी नाथपंथी सिद्ध योगियों से भी सूफियों ने बहुत कुछ सीखा है, और नाथपंथी सिद्ध योगियों और बाकी जो रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं इंडिया में, उन्होंने सूफियों से भी बहुत कुछ सीखा। तो बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हुई है, एक्सचेंजेस बहुत हुए हैं दोनों के अंदर। ओके दोस्तों, फिर भाई इन सूफी संतों से निकले सिलसिला। सिलसिला में क्या होता है, दिस वाज अ स्पिरिचुअल जिनेलॉजी ऑफ अ सूफी टीचर। यानी एक सिलसिला के बहुत सारे धर्म गुरु होंगे, सूफी संत होंगे, ठीक है, और अलग अलग सिलसिला चलेंगे भाई, और अलग अलग सिलसिला का अपना अलग अलग तरीका होगा पढ़ाने का और रिचुअल्स को समझाने का। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है मिस्टिक्स इन एक्सटेसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आदमी कुछ बजा रहा है म्यूजिक, और ये भी बजा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग देखिए नाच रहे हैं, और नाच नाच के कैसे विभोर हो के गिर रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा विभोर हो गए हैं कि नाचते नाचते गिर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मुस्लिम धर्म में भी हुआ है। फिर आगे देखते हैं, कश्मीर में सूफिज्म धर्म का ऋषि ऑर्डर फ्लोरिश किया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया था शेख नूरुद्दीन वाली ने, जिनको नंद ऋषि भी बोला गया है, और कश्मीर के लोगों की जिंदगियों पे इनका बहुत असर पड़ा है। आज की डेट में कश्मीर में आपको बहुत सी ऐसी दरगाहें मिल जाएंगी जो कि इन ऋषि सेंट्स पे, इन ऋषि सेंट्स को डेडिकेटेड है। ओके, तो ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लोरिस्ट इन कश्मीर, ये शेख नूरुद्दीन वाली को याद रखिएगा दोस्तों। देखिए एनसीईआरटी में जो भी नाम निकल के आते हैं चीजों के, वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब इसीलिए हम, मैं कहता हूं कि हम लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, जबकि एनसीईआरटी को इग्नोर करना सुसाइडल हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। यहाँ फिगर 5 में आपको एक मैनुस्क्रिप्ट दिख रहा है कुरान का, डेक्कन 15th सेंचुरी का। ये हॉस्पाइस क्या है, तो हॉस्पाइस एक वो जगह है जहां पे ट्रेवलर्स रेस्ट करते हैं, ठीक है, एक रिलीजियस ऑर्डर द्वारा इस हॉस्पाइस को बनाया जाता है। फिर देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे सूफी संत सेंट्रल एशिया से इंडिया में आएंगे, हिंदुस्तान में आएंगे 11th सेंचुरी के बाद, और वो यहाँ पे आके एस्टैब्लिश होने लगेंगे। और 11th सेंचुरी के बाद जब वो इंडिया में एंट्री मारेंगे, उनकी एंट्री कुछ फैक्टर्स की वजह से और इजी हो जाएगी, जैसे दिल्ली सल्तनत का राज आएगा इंडिया में। तो दिल्ली सल्तनत के समय पे देखेंगे बहुत सारे मेजर सूफी सेंटर्स पूरे सब कॉन्टिनेंट में आएंगे। एक सिलसिला जो कि इंडिया में बहुत फेमस हुआ वो है चिश्ती सिलसिला, बहुत इन्फ्लुएंशियल है दोस्तों। चिश्ती सिलसिला में बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे खानरा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ की दरगाह में, ये इनकी दरगाह है, वहां पे जाइए बड़ा सुकून मिलता है, मैं गया हूँ। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, ये भी चिश्ती सिलसिला में है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ये भी चिश्ती सिलसिला में है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तो इतनी बड़ी दरगाह है भाई, रॉक स्टार मूवी में इस दरगाह को दिखाया गया है दिल्ली में। अगर आप आश्रम से इंद्रप्रस्थ वाले मेट्रो स्टेशन की तरफ जाओगे तो बीच में दरगाह आती है। बंद नवाज गीसु दराज ऑफ गुलबर्गा, ये भी भाई आपके चिश्ती सिलसिला के। ऐसे और भी सिलसिला थे इंडिया में, ये चिश्ती सिलसिला वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलसिला इन इंडिया। तो ये सूफी मास्टर क्या करते थे, अपनी असेंबलीज में ये असेंबली कराते थे, कहां पे, खानकाह में, हॉस्पाइसेस में। हॉस्पाइसेस एक रिलीजियस ऑर्डर की जगह होती थी। देखिए ये खानकाह है, इस खानकाह में एक मुस्लिम जो आप कैसे पर्सन है ये बाहर आ रहे हैं, और ये हिंदू लेडीज को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो सूफी संतों द्वारा जो ये खानकाह बनाए गए थे, यहाँ पे हर धर्म के लोगों को मदद दी जाती है, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम्स के लिए है। आप अगर निजामुद्दीन औलिया में भी जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया में अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आपको रहने के लिए जगह, खाना सब मिलेगा। फिर डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकाह। तो भैया रॉयल्टी के, नोबिलिटी के, हर तरीके के लोग इन खानकाह में आते थे। यहाँ के सूफी जो गुरु होते थे उनके साथ स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे, इनका आशीर्वाद लेते थे, म्यूजिक सेशंस और डांस सेशंस को अटेंड करके अपने भगवान को याद करते थे। तो भैया जो आज की डेट में म्यूजिक डांसिंग को बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एक न्यूडिटी का कैरेक्टर दे दिया गया है, ऐसा सूफी उसमें नहीं था। भगवान में भी, भक्ति में भी भाई
गाना नाचने का बहुत सिग्निफिकेंस रहा है, जो कि अब तक आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरी इस टीचिंग से। फिर कहा जाता था कि इन सूफी संतों के पास भाई गजब की मिराकुलस हीलिंग पावर्स हुआ करती थी। अगर किसी को कोई बीमारी है, इलनेस है, ट्रबल्स है, तो ये उसकी बीमारी दूर कर देते थे। फिर एक सूखी सेंट इतने ज्यादा फेमस हो गए, जो इनका टॉम होता था, जो दरगाह होता था, जैसे कि अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पे भाई हर साल हजारों लाखों लोग जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए। ठीक है, वहां पे जाते हैं, वहां सुकून मिलता है, प्रसाद मिलता है, ठीक है, और भगवान की आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे अब ये देखिए, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया है, ये तो भाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अब आगे की जो एनसीआरटीज हैं बड़ी लंबी हैं, तो हो सकता है एक एनसीआरटी दो पार्ट में बनाऊं। तो यहाँ पे फाइंडिंग द लॉर्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। तो एक पर्सन है जलालुद्दीन रूमी, ये जलालुद्दीन रूमी ही वाज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट ईरान से, उन्होंने पर्शियन में लिखा है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ही वाज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस। देखिए ये भगवान के लिए है, तो क्रिश्चियंस का जो क्रॉस है उसमें भी उनको भगवान नहीं मिला, हिंदुओं के मंदिरों में भगवान नहीं मिला, कुछ कहीं नहीं था वो भैया, वो आसमान में गया भगवान नहीं मिला, मक्का गया भगवान नहीं मिला। फिर एक एविसेना था, फिलोसफर है उस समय के, बहुत बड़े फिलोसफर थे, इनके पास जाके पूछा कि भगवान कहाँ है, कुछ नहीं पता फिलोसफर वो कहाँ है। फिर जलालुद्दीन रूमी ने अपने दिल की तरफ देखा और वहां पे उनको भगवान मिल गया। समझ गए दोस्तों इनका क्या कंसेप्ट था। कंसेप्ट इनका ये था कि भाई आप रिलीजियस जो आपने थॉट्स अपने दिमाग में बना लिए हैं, इतने स्ट्रिक्ट थॉट्स कि भैया मंदिरों में जाके पूजा करेंगे, उस मूर्ति में भगवान है, बिल्कुल गलत है। भगवान आपके दिल में, अपने दिल को साफ रखिए, भगवान वहीं रहता है। तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को टेकअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।